तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पहली मेल जो है आ चुकी है सोनिया जी की। लेकिन सोनिया जी, ऐसे करोगे तो फिर तो बाकी बच्चों का नंबर ही नहीं आएगा, जिस तरीके से आप मेल कर रहे हो कि रईस नंबर सेंड करूँ क्या। फिर एक और आई है, हिसार ओनली, फिर एक और आई है सोनिया जी। भाई बता दो, मेरा सत्संग का पैसे चेक करके प्लीज़, कैसे क्यों नहीं आ रहे। देखो, जहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है, स्क्रीनशॉट सेंड किया करो प्लीज़। मैं किसी का आईडी पासवर्ड कभी भी नहीं मांगता, और ना ही कोई मेरे पास सेंड करने की कोशिश करे। मैं किसी की आईडी पासवर्ड लेकर के नहीं खोलता। दिक्कत है, और मैं तो यही बोलता हूँ, अगर किसी कोई लड़का लड़की है, खासकर लड़कियाँ, अपना आईडी पासवर्ड किसी को भी ना दें, तो उसमें आपकी सारी डिटेल होती है। मैं कभी अलाउ नहीं करता आईडी पासवर्ड लेने के लिए, और ना मेरे प्लीज़ मेरे पास कोई सेंड करे। तो दोस्तों, जो नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे मेरा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हो sumit84@gmail.com पे। मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से कभी भी ले सकते हो। नेक्स्ट मेल है सागर जी की, सागर शर्मा, सक्षम क्यूरी। बताते भाई, भाई जो भत्ता 900 से 1200, 1500, 2000 बढ़ाया गया है, वो 2-3 साल पुराने सक्षम साथियों को भी मिलेगा क्या? जी हाँ, सभी को मिलेगा, जो पुराने हों, चाहे जो नए होए हों, कोई भी हो, जिसने भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है। पहले 900 आते थे उसके 1200 आएंगे, 1500 आते थे उसके 2000 आएंगे, जिसके 3000 आते थे उसके 3500 आएंगे, जो नए साथी फार्म बनेंगे उनके भी, मतलब सभी का, सभी इक्वल, मतलब इक्वल। ओके जी, नेक्स्ट मेल है मनीष दहिया, सोनीपत पीजी का आ गया बेबी अभी। बेबी? अच्छा जी, लव यू जानू। ऐसे तो ना करो यार, आई एम नॉट ए जी ए वाई। 3000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं भाई बच्चों के, 16/8/2024 को। ओके ओके ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 रुपये 2 बार आए हैं, 2 बार आए हैं क्या? एक तो 16 तारीख को ये है नीचे वाली में, 2 ही बार आए हैं, 6:29 के ऊपर 2 बार सेल जो आ चुकी है भाई आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से। हाँ जी, पैसे तो 2 ही बार आए हैं। चलो, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। सोनीपत पीजी वालों को अलाउंस आया है, आप एक बार सोनीपत वाले अपना अपना अलाउंस चेक कर लेना, ठीक है जी। ओके ब्रो, नेक्स्ट मेल है फिर से मनीष दहिया की। अच्छा जी। ऐसा मत करो यार भाई, सोनीपत पीजी वालों का आ गया है जुलाई का अभी। बिल्कुल सुमित भाई, सही इन्फॉर्मेशन देते हो आप। आपके होते हुए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, ना आएगी जब तक बेरोज़गार हैं। ये तारीफ हो रही है, टोंट लग रहे हैं। लव यू बड़े भाई। ओके, 2 मंथ के बत्ते आ चुके हैं, ये तो पिक तो हमने आपको दिखाई दी है, 16 तारीख को 2 मंथ के बत्ते आ चुके हैं भाई आज की डेट में, ठीक है। अपना अपना एक बार सोनीपत वाले अपना चेक कर लेना। अरे भाई, एक तो ये काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं और आप भाई कि सर इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, कोई रिमार्क्स नहीं है। अरे तो अगर आपका अलाउंस रिमूव हुआ है ना, तो कोई ना कोई दिक्कत है, ऐसे नहीं होता। या तो फिर आपने कहीं वो कर दिया हो, क्या बोलते हैं उसको, आप रिन्यू ना किया हो कहीं। देखना पड़ेगा आपके आईडी में क्या है, कहाँ पर, जहाँ पर दिक्कत हो। एक तो आप स्क्रीनशॉट ऐसे सेंड कर रहे हो ना, तो ये खुल रहे हैं ना बड़े और ना छोटे हो रहे, क्या कैसे स्क्रीनशॉट सेंड कर रखे हो, ये कोई फोटो नहीं आ रही इसमें, सिर्फ ऊपर नीचे हो सकता है। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट सेंड किया करो। प्रियंका कश्यप, सर मैं प्रियंका, मेरी डेड हो चुकी थी आईडी, तो अब कुछ हो सकता है अगर दोबारा से रिन्यू किया जाए तो? दोबारा से रिन्यू तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो, यहाँ पर आपकी आईडी 100% कंप्लीट थी, लेकिन यहाँ पर आपकी अप्रूव थी ऑटो एक्सपायर ड्यू टू नो रिन्यू, आपने रिन्यू नहीं किया, तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिन्यू का। ये रहा देखो जी, ये रहा रिन्यू का ऑप्शन करो, रिन्यू करो। और तीन अब सक्षम आईडी में अपलोड नहीं होएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एम्प्लॉयमेंट देगा, वो भी 3 साल के बाद बता देते हैं। लेकिन नए रूल डेली आते जा रहे हैं, अब एक बार इनके रूल दोबारा से चेकआउट करने पड़ेंगे, क्या पता आप दोबारा जल्दी देने स्टार्ट कर दें। हो सकता जी ऐसा, जल्दी देने भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। देखो, कभी कभी आप भी अपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों में विजिट करते रहा करो, जो ही नहीं होता कि हर चीज़ अपडेट आपको मैं यहीं पर दूँ। कभी कभी क्या होता कि हमारे पास भी न्यूज़ जो आती हैं वो काफ़ी लेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाके पता कराते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ दी हैं, वो जो न्यूज़ हमने हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस
से पता नहीं कर पाए जो कि उन साथियों ने न्यूज़ दी थी। तो आप भी ऐसा किया करो कि भाई आज कभी कभी तो आप भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाया करो। ये थोड़ी है कि हर चीज़ ही आपको घर बैठे प्रोवाइड की जा रही है। कभी कोई भी पूरे डिस्ट्रिक्ट से अगर एक लड़का लड़की भी जाकर आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ का सॉर्ट आउट हो जाता है, तो वो चीज़ हमारे साथ शेयर किया करो ताकि बाकी बच्चों को भी वो चीज़ अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको घर बैठे बताया जा सके। कोई एक कैंडिडेट भी अगर जाकर के डिस्ट्रिक्टों में घूम के आता है तो सभी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है वो। ऐसे ही हम करते हैं, कभी जाते हैं तो कभी सार हमारे नियर पड़ता है, विवाही नियर पड़ता है, कभी जीन चल जाते हैं, कभी कुरुक्षेत्र चल जाते हैं, तो चले जाते हैं, पूछ लेते हैं कैसे क्या सिस्टम चल रहा है। तो वैसे ही हम भी पूछते हैं, तो आप भी ऐसे पूछ लिया करो अपने डिस्ट्रिक्टों में, और जो आपको सही जानकारी मिले वो हमारे साथ शेयर किया करो, ठीक है, ताकि हम भी आके बच्चों को बता सकें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, आज की वीडियो में इतना ही। जिसकी मेल नहीं आई वो प्लीज़ कृपया करके दोबारा से मेल कर देना। कोई साथी बुरा ना माने, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों।